जलील अहमद शरफपुरी एक अजीम शरीफ दयानतदार और अल्लाह के नामूस रसालत की हिफाजत करने वाले इंसान हैं। मेरे नाम से जो ऑडियो राना सनाउल्लाह उजरती कातल ने जारी की है, उस मंशियात फरोश ने जारी की है जिसने फोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरूह किया जाए। जलील अहमद शरफपुरी की इज्जत पर किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है और यह हुकूमत को तकलीफ है कि उसने परवेज अलाई को इस्तीफा क्यों दिया जो कि उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि इस हुकूमत की हालत देखें कि ये किस किस्म के गंदे और परागंदे हथकंडों पे आ गई है। और वो चैनल जो इन नाशायस्ता गैर शायस्ता बातों को उछालते हैं वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे। जलील शरफपुरी की मैं हलफ पे कसम खाता हूं कि वो नेक इंसान है और मेरा उनसे कोई सियासी तल्लक और रिश्ता नहीं है, ना मैं सूबे की सियासत करता हूं। और इनको तकलीफ यह है कि परवेज अलाई को उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मेरी तरफ से जो बातें जोड़ के बनाई गई हैं उसमें मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ मजाकन बातें की हैं, लेकिन सारी कौम देख ले कि ये हुकूमत फोन टेप करने से भी बाज नहीं आती। और इंशाल्लाह